हेलो एंड वेलकम ऑल। इस वीडियो में एचपीएल पावर जो प्रज्ञेश भाई प्रजापति का क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी राजू भाई एमजी भाई हमारे वीडियो को अप्रिशिएशन कर रहे हैं तो सबको धन्यवाद। और इस वीडियो में मेरी इस स्टॉक के बारे में मेरी कोई बाइंग सेलिंग राय नहीं है, सिर्फ मैं मेरी एनालिसिस आपके साथ रख रहा हूँ। मेरा व्यू सही या गलत हो सकता है, डिस्क्लेमर है। बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से ही कोई कामकाज करें। तो ये कंपनी का सेक्टर और वायर एंड केबल और पावर स्विच वाला सेक्टर अभी तेजी के ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या आगे भी क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट कैप 4200 करोड़ है, शेयर का प्राइस 650 पर चल रहा है। कंपनी का रिसेंट क्वार्टर में सेल्स आए 400 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 14% है 56 करोड़ पे, और कंपनी इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रही है 24 करोड़ पे। पूरे साल में 1600 करोड़ का सेल्स हो सकता है, 200 प्लस करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, 100 करोड़ का इंटरेस्ट भी बढ़ना पड़ सकता है। तो इसके हिसाब से और दूसरी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में 1880 करोड़ आसपास बैलेंस शीट है, जिसमें से 620 करोड़ इंटरेस्ट है। तो अगर वो माइनस कर दे तो अराउंड 1250 करोड़ बैलेंस शीट बन रही है। उसके हिसाब से 2500 करोड़ एक अच्छी वैल्यूएशन बन रही है मार्केट कैप के हिसाब से, और रिजल्ट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों के हिसाब से 2500 करोड़ एक अच्छी वैल्यूएशन बन रही है। ऊपर की साइड पर 5000 करोड़ मार्केट कैप बन रही है, तो भी ऑलरेडी ये 4200 करोड़ मार्केट कैप हो चुकी है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो पब्लिक के पास 20% है, बाकी सभी प्रमोटर्स या तो प्रमोटर के पास है, लेकिन पब्लिक में कोई HNI शेयर होल्डर नहीं है। तो अभी कंपनी में क्या आगे अच्छा होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट और अभी जो बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के मुझे अभी महंगा दिखाई दे रहा है। तो महंगा होता है तो कंपनी हमें पसंद आती है तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टॉक जैसे प्राइस के बारे में बात करें तो कोरोना में इसका लो पड़ा था 18 रुपीज का, अभी ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। 2 साल का लो देखो तो 64 है, इस साल का लो देखो तो 180 है, तो 2 साल के हिसाब से 10 टाइम्स हो चुका है और 1 साल के हिसाब से भी 3-4 गुना हो चुका है। तो जो इन्वेस्टमेंट में होना है वो हो चुका है, बाकी तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं 1 आवर 200 में फॉलो करने की आपको राय देता हूँ। तो अभी 1 आवर 200 में आप देखो तो 605 है और अभी 650 चल रहा है, 690 का हाई लगा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको 10-15% ही लेना होता है, तो आराम से ये ऑलरेडी इतने रिटर्न मिल जाते हैं। तो 1 आवर 200 एमए को फॉलो करें, मार्केट के अंत में जब भी 1 आवर 200 एमए के नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा, और वापस जब 1 आवर 200 एमए के ऊपर रहता है तो वापस आप एंट्री कर सकते हो। उस प्रकार आप इसमें 1 आवर 200 एमए फॉलो कर सकते हो। तो HBL पावर और HPL पावर एंड इलेक्ट्रिक दोनों में मेरी सेम राय है। थैंक यू फ्रेंड्स।